हरदोई के मंझीला थाना इलाके के हांथीपुर में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें महिला के दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार आरोपी का भाई व उसकी मां फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपित युवक ने अपनी सास से 7,65,000 रुपए उधार लिए थे, वह वापस ना करने पड़े इसके लिए अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि 19 जनवरी को मंझीला थाना इलाके के अजय कुमार निवासी हाथीपुर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बहनोई आशुतोष और बहनोई के भाई विजय प्रकाश और मां रेशमा देवी ने उसकी मां को गायब कर उनकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस टीम लगी थी। इसी बीच महिला का शव टोडरपुर के रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। कपड़ों से महिला की पहचान होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व शाहबाद सीओ के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संजीव शर्मा को लगाया था। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अयारी नहर बंबा के पास से आतुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी युवक ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सास से यह रुपए चेक के माध्यम से उधार लिए थे और वह पैसा वापस ना करना पड़े इसके लिए उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर हादसा अथवा आत्महत्या दिखाने के लिए फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 6100 रुपए की नकदी, एक मोबाइल, एक बलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि गिरफ्तार किए गए युवक के भाई और माँ की तलाश पुलिस कर रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। थाना मझिला पर एक गुमशुदगी दर्ज थी, जिसमें उर्मिला देवी, उम्र लगभग 65 वर्ष, ये लगभग 7-8-10 दिनों से गायब थी। उसके बाद दिनांक इसमें पूछताछ की गई और पूछताछ की और उनके मोबाइल इत्यादि की जानकारी जब की गई, उससे ये जानकारी मिली कि ये जो है लगभग 19 तारीख से गायब थी। और बाद में पूछताछ में ये सामने आया कि उर्मिला देवी की मारकर हत्या करके रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया था। जब ये कन्फर्मेशन हुआ तो उसके बाद इनके खाते की जानकारी की गई। खाते में लगभग इनके 10 लाख रुपए के आसपास थे, जिनमें 19 तारीख को ये जब गायब हुई उसके पहले 13 तारीख, 16 तारीख और इनके गायब होने के बाद 21 तारीख में भी पैसे की निकासी हुई, जो कि चेक द्वारा ही। और चेक जो है इनके एक सबसे छोटी जो लड़की है उसके पति यानी इनके दामाद आशुतोष ने उसके खाते में और उसके भाई के खाते में गए थे। जब उन दोनों से पूछताछ हुई, उन दोनों ने घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पर डाल दी थी, पैसों के लालच में ऐसा किया गया था। कितना रुपया, कितनी बार में निकाला था? लगभग 3 बारों में कुल लगभग 7,35,000 रुपये इन्होंने निकाले थे, जिससे इन्होंने एक ट्रैक्टर इत्यादि कहीं खरीदा है आसपास के जनपद में, उसकी भी जानकारी की जा रही है और उसको भी सीज किया जाएगा। फिलहाल इनसे 70,000 रुपये के आसपास बरामद है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।